और जस्ट हमारे सामने दूसरा सामर डियर। दोस्तों हम आ चुके हैं इसे बड़े परवन नाले पर, और यहाँ पर दोस्तों हमने आपको एक बार लेपर्ड दिखाया था और एक बार टाइगर दिखाया था, और कई बार दिखा चुके हैं हम यहाँ पर तस्कर हाथी। और बिल्कुल भी आप ऐसी गलती ना करें, क्योंकि यहाँ पर आपको कहीं से भी हमला हो सकता है टाइगर लेपर्ड का। और पिछली बार हमने पहले ब्लॉग में आपको दिखाया था यहाँ पर टाइगर। हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग, स्वागत है आपका नए ब्लॉग में। आज हम अपने ब्लॉग की शुरुआत कर रहे हैं सुंदरखाली विलेज से। पहले बैक कैमरे से दिखाता हूँ कि हमें क्या दिखाई दिया बाइक टाइम में। देखिए आप बैक कैमरे से देखिए दोस्तों, यहाँ पर सामने सामर डियर हैं काफ़ी सारे। मैं आपको दिखाता हूँ पास जाके, ये देखिए दोस्तों आप सामने सामर डियर और एक दूसरा सामर डियर उधर साइड खड़ा हुआ। आप देख सकते हैं सामने दोस्तों कितना अच्छा व्यू है, और अल्टीमेट व्यू है दोस्तों। और जस्ट हमारे सामने दूसरा सामर डियर दोस्तों, ये फीमेल है और दूसरी वाली भी फीमेल है दोस्तों। आप देख सकते हैं बिल्कुल जस्ट रोड किनारे, और यहाँ पर सामने एक गाड़ी खड़ी है। बिल्कुल दोस्तों ऐसे गाड़ी बीच में नहीं खड़ी करनी चाहिए, कहीं से भी वाइल्ड लाइफ अटैक कर सकती है आपके ऊपर। वही देखिए आप दोस्तों सामने हमारे सामर डियर इस समय घास खाते हुए अब जा रहे हैं धीरे धीरे जंगल की ओर। दोस्तों ये सामर डियर फीमेल है, आप देख सकते हैं सामने। बहुत बढ़िया अमेजिंग अल्टीमेट व्यू है दोस्तों, आप देख सकते हैं सामने। देखिए दोस्तों सामने कितना बड़ा सामर डियर है फीमेल। अब धीरे धीरे और जंगल की ओर जाते हुए आप देख सकते हैं सामने, और दोस्तों काफ़ी दूरी बनाए हुए हैं हम इस समय। और देखिए बिल्कुल घना जंगल है, आप देख सकते हैं सामने। बहुत बढ़िया अल्टीमेट व्यू है दोस्तों। अब समय लेट हो गए जंगल की ओर जाते हुए, बहुत बढ़िया दोस्तों। दोस्तों जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की तो बात ही अलग है, यहाँ पर आपको अचानक से कुछ भी दिखाई दे सकता है। चलते हैं हम आगे की तरफ, और देखिए दोस्तों सामने रिवर साइड है आप देख सकते हैं, और सामने घना जंगल। और देखिए दोस्तों ऊपर बादल कितना अच्छा छा हुआ, बारिश के बाद जो मानसून बनता है कोहरे वाला, आप देख सकते हैं सामने कितना कोहरा है ऊपर पहाड़ों पर, और ऊपर हो रही है रिमझिम बारिश। और अभी हम चलते हैं अपनी गाड़ी की ओर। दोस्तों ये नज़ारा हमें देखने के लिए मिला है, अभी इससे पहले हमें दोस्तों स्पॉटेड डियर मिले थे, और अभी हमें जस्ट मिले हैं सामर डियर। और सामने का आप चेक करिए व्यू कितना अल्टीमेट व्यू है दोस्तों। और इस समय ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में, और काफ़ी सुनहरा और बहुत ही प्यारा मौसम हो रहा है दोस्तों। आप ज़रूर आए जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। दोस्तों हम अपनी गाड़ी में बैठ चुके हैं और आगे चलते हैं, आपको आगे का व्यू दिखाते हैं। और सामने एक रफ्ता है, देखिए दोस्तों यहाँ पर लिखा है साइन बोर्ड, सावधान आगे दुर्घटना क्षेत्र है, आगे पानी का बहाव तीव्र है, जल स्तर देखकर ही वाहन पार करें। ये देखिए दोस्तों सामने एक ऑटो वाले आ रहे हैं, ऑटो आ रहा है सामने से आप देख सकते हैं, और यहाँ से पानी रफ्ते में से आता हुआ। दोस्तों ये पहाड़ों पर ऊपर से पानी आता है, सीधा जा रहा है रिवर साइड। दोस्तों कुछ महिलाएं जंगल से घास लेकर आती हुई, और ये बिल्कुल ही खतरनाक है दोस्तों। यहाँ पर कहीं भी छुपा हुआ होता है लेपर्ड, आप कभी भी ये गलती ना करें। और देखिए सामने पानी भर चुका है रोड पर, क्योंकि जस्ट अभी बारिश हुई है यहाँ पर आधे घंटे पहले, और अभी रुक चुकी है बारिश जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। और अभी हम हैं सुंदरखाल से पहले। दोस्तों हम आ चुके हैं इसे बड़े परवन नाले पर, और यहाँ पर दोस्तों हमने आपको एक बार लेपर्ड दिखाया था और एक बार टाइगर दिखाया था, और कई बार दिखा चुके हैं हम यहाँ पर तस्कर हाथी। और अब हम चलते हैं उस टीले के ऊपर जहाँ पर हमें पिछली बार टाइगर दिखाई दिया था। दोस्तों घास बड़ी हो चुकी है यहाँ पर सुंदरखाल विलेज में, और यहीं पर दोस्तों घास लगा कर बैठता है टाइगर या लेपर्ड। मैं आपको टीले के ऊपर लेके जाता हूँ। देखिए दोस्तों कितनी बड़ी 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 घास हो गई यहाँ पर, और यहीं पे घास लगा के बैठता है टाइगर या लेपर्ड। कुछ लोग नहा रहे हैं पानी की ओर, और यहीं पर हमें टाइगर मिला था, जो कि जो नहा रहे हैं इनके लिए बड़ा ख़तरनाक हो सकता है। और यहीं पर हमें टाइगर दिखाई दिया था दोस्तों पिछली बार, और यहाँ पर कुछ लोग नहा रहे हैं जो कि उनके लिए बहुत ही ख़तरनाक है। ये आप देख सकते हैं सामने दोस्तों, यहाँ पर जो जगह सूखी सूखी हुआ करती थी आज वो जगह हरी भरी हो गई है। देखिए आप सामने, मैं आपको ये रफ्ता दिखाता हूँ। ये देखिए दोस्तों कितना पानी यहाँ पर आ रहा है, आप देख सकते हैं बिल्कुल सामने, और कंटिन्यू तेज़ बहाव के साथ यहाँ पर पानी आ रहा था, उधर का जाम उधर रुक गया था। देखिए दोस्तों कितना चिल्ड पानी है,
बहुत ही ज़्यादा चिल्ड पानी है। और यहाँ पर कभी सूखा हुआ करता था, आज बारिश होने के कारण इतना तेज़ पानी है। और कल शाम यहाँ पर बहुत बड़ा जाम लग गया था दोस्तों, देख सकते हैं आप। ये देखिए आप, ये जगह पड़ती है आपकी सुंदरखाली विलेज। ये देखिए दोस्तों सामने, ये पानी जा रहा सीधा रिवर साइड। और हम चलते हैं आगे, दिखाते हैं आपको आगे का व्यू। तो हमारे पिछले ब्लॉग में आप देख सकते हैं सामने हमने आपको एलिफेंट दिखाया था, दो तस्कर हाथी थे दोस्तों यहाँ सामने की तरफ। और देखिए व्यू, आप व्यू चेक करिए आप, कितना व्यू अच्छा है। और सामने हो रहा है ऊपर कोहरा पहाड़ों के बीच में, पहाड़ों की चोटियों पर, और ऊपर पड़ रही है तेज तरार बारिश। ये देखिए आप, अल्टीमेट व्यू है दोस्तों, अल्टीमेट व्यू है सुंदरखाल विलेज का। ठीक है दोस्तों, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में कितना अच्छा व्यू है, दो तितलियाँ पास में बैठे हुए और इन्जॉय ले रही हैं बारिश का। आप देख सकते हैं सामने, बिल्कुल जस्ट हमारे सामने, वो कितनी सुंदर सुंदर सी हैं तितलियाँ, आप देख सकते हैं। मैं आपको और करीब से दिखाता हूँ। दोस्तों हम चल रहे हैं अब दीपू भाई की शॉप पर, आप देख सकते हैं सामने, जस्ट हमारे सामने है दीपू भाई की शॉप। और यहाँ पर चाय पीते हैं और सामने बैठे हैं हमारे दीपू भाई। दोस्तों आ चुके हैं हम अब दीपू भाई की शॉप पर और यहाँ पर चाय पीते हैं, थोड़ा रेस्ट करते हैं और फिर चलते हैं आगे की तरफ। मैं आपको अपने दीपू भाई से मिलवाता हूँ, काफ़ी सज्जन आदमी है वो। दीपू भाई नमस्कार, कैसे हैं आप? और सब ठीक ठाक? आज शॉप पर मिली गए आप, आज मोहानी गए? दोस्तों इस ब्लॉग का मैं यही एंड करता हूँ, अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो इस ब्लॉग को लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में।